बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लास इंटर, टुडेज माय टॉपिक इज सोडियम कार्बोनेट Na2, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। आज बेटा हम जो है किसकी बात करेंगे, मींस के आज हम बनाएंगे अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट को बनाएंगे बाय थ्रू अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। अभी देखें बेटा, नंबर टू, सोडियम कार्बोनेट Na2 सोडियम कार्बोनेट को हम मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे किसके थ्रू बेटा, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू। सोडियम कार्बोनेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। बेटा देखें कि पहला स्टेप ये है कि सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के तहत। द रॉ मटीरियल्स यूज्ड आर सोडियम क्लोराइड, लाइम स्टोन एंड अमोनिया गैस। अभी बेटा देखें, जो रॉ मटीरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड, लाइम स्टोन एंड अमोनिया गैस, और बेटा कौन से, अमोनिया गैस। मीन्स के ये मटेरियल्स यूज़ करके बेटा हम क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। कौन कौन से बेटा, सोडियम क्लोराइड हो गया, लाइम स्टोन हो गया और अमोनिया गैस हो गई। द प्रोसेस इन्वॉल्व थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड इट्स फ्लो शीट डायग्राम। अभी देखें बेटा, इसके तीन स्टेप्स हैं। ये देखें कि ये एक स्टेप नंबर वन, अमोनिएशन ऑफ ब्रिन। ये बेटा हमारे पास क्या है, एक टॉवर है जिसे क्या कहा जाता है, अमोनिया सॉल्वेट टॉवर। ये देखें कि ये मैं आपको बताता हूँ सारे, अमोनिया ब्रिन इन दिस स्टेप अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अभी देखें बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का, अबाउट 28% बाय मास, जिसका 28% मास होता है, या जिसे ब्राउन, अलाउड टू फ्लो डाउन एन अमोनिएटिंग टॉवर। ये बेटा क्या है, ये है अमोनिएटिंग टॉवर। ये क्या है, इसे क्या कहा जाता है बेटा, अमोनिएटिंग टॉवर। अभी देखें, ये अमोनियम और सोडियम क्लोराइड का ये जो सॉल्यूशन है जिसे अमोनिकल ब्रिन कहा जाता है, ये कुछ क्या है, फ्लो शीट्स। द टॉवर कंसिस्ट ऑफ मशरूम शेप्ड बफल्स एट शॉर्ट इंटरवल्स। बेटा ये क्या है, ये जो इस टावर में ये एक मशरूम टाइप के बेफल्स होती हैं जिसमें से लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। ये इसका इनका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करती हैं फ्लो ऑफ ब्रिन एंड इंश्योर्स प्रॉपर सेचुरेशन विद अमोनिया पासिंग ऑफ द टावर। जैसे इसमें हम अमोनिया डालते हैं तो ये जो है कि मीन्स के सेचुरेशन होती है स्लो स्लो। अभी देखें कि पहला स्टेप ये है कि हम क्या करते हैं, जो है सोडियम क्लोराइड का 28% बाय मास एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को बेटा जो है उसमें अमोनिया मिक्स करते हैं। अमोनिया मिक्स करके अभी क्या किया जाता है कि उसको हम पास करवाते हैं यहाँ से। स्टेप नंबर टू, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्रिन। इन दिस स्टेप अमोनिएटेड ब्रिन इज अलाउड टू ट्रिकल डाउन अ कार्बोनेटिंग टावर कॉल्ड सॉल्वेट टावर। ये जो बेटा टावर है इसे क्या कहा जाता है, सॉल्वेट टावर भी कहा जाता है। अभी बेटा देखें कि बेसिकली होता क्या है कि ये जो अमोनिएटिंग टावर्स हैं, ये जो बफर प्लेट्स हैं, इसमें से अमोनिया और सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन होता है जिसे अमोनिकल ब्रिन कहा जाता है। वो जो अमोनिकल ब्रिन है बेटा, वो क्या किया जाता है, इन ये जो टावर्स हैं इसमें डाला जाता है, ये फिर फ्लो करता है, ये जो बफर प्लेट्स होती हैं इनमें से इजिली फ्लो करता है। देखें, ट्रिकल डाउन कार्बन टावर का सॉल्वेट टावर फिटेड विथ अ बफर प्लेट्स एंड मीट एन अपवर्ड करंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हीट दी जाती है तो उसे कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, और बेटा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो अमोनिकल सॉल्यूशन है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ से ये इंजेक्टर्स लगाए जाते हैं, इन इंजेक्टर्स के थ्रू वो ऊपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपवर्ड मूव करता है, और जो सॉल्यूशन हमने डाला है जिसे अमोनिकल ब्रिन कहा जाता है, वो बेटा नीचे आके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है। अपवर्ड करंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन। द बफल प्लेट्स चेक द फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड ब्रेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्मॉल बबल्स, इंश्योर गुड कंडीशंस फॉर द रिएक्शन। द कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया रिएक्ट विथ। अभी देखें बेटा, जैसे ये अमोनिकल ये जो ब्रिन है, इनमें जो अमोनिया मौजूद है, वो अमोनिया आके मिलती है, रिएक्शन करती है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में। देखें बेटा, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म अमोनियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। तो क्या बनता है, अमोनियम और कार्बोनेट आयन बनता है। अभी देखें, ये फिर जो कार्बोनेट आयन बना, ये फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, फिर ये जो है क्या बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बाय कार्बोनेट आयन। अभी देखें, हमारे पास जो है ये रिएक्शन अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम
कार्बोनेट बना, फिर जो है ये जो अमोनियम कार्बोनेट है इसे बेटा रिएक्शन करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर ये मिक्स हो जाता है, फिर ये बनता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अभी देखें द अमोनियम एंड बाइकार्बोनेट आयंस देन रिएक्ट विथ, अभी देखें इसमें बेटा सोडियम क्लोराइड भी तो है ना, ये जो अमोनिया ने जाके रिएक्शन किया किसके साथ है, अमोनिया ने रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बना हमारे पास ये, अभी जो ये जो अमोनियम आयन और जो कार्बोनेट आयन है ये फिर जाके रिएक्शन करते हैं सोडियम क्लोराइड के, जो सोडियम क्लोराइड सोडियम के आयन और क्लोरीन आयन से, तो ब्रायन तो क्या बन, ये देखें सोडियम क्लोराइड ने रिएक्शन जाके किया किसके साथ, अमोनियम कार्बोनेट का साथ, तो बेटा क्या बन गया हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट NHHCO3 और अमोनियम क्लोराइड, ये जो प्रिसिपिटेट बन जाती हैं। सिंस द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दीज रिएक्शंस इज एक्सोथर्मिक द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज राइज, ये जो रिएक्शन होता है ये कौन सा होता है एक्सोथर्मिक मीन्स के क्यों, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, दिस टेंड्स टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी जो है मीन्स के सॉलिबिलिटी वो बहुत बढ़ जाती है, देयर बाय इनहिबिट्स द प्रिसिपिटेशन बन जाते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है किससे, सोडियम क्लोराइड से। स्टेप नंबर थ्री क्या है, जो लास्ट स्टेप है हमारे पास बेटा वो कौन सा है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बना है सोडियम बाइकार्बोनेट बना इसे कन्वर्ट किया जाता है, द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड टू गिव एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एस्ट, जब इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर मिलता है और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लिबरेटेड बाय दिस रिएक्शन इसे अगर हम रिसाइकिल करेंगे दोबारा, तो ये जो कार्बोनेटिंग टावर में सोडा एश इज रिसाइकिल फ्रॉम हॉट एक्वस सॉल्यूशन एंड यील्ड्स सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, क्या मिलता है हमें, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट व्हिच इज नोन एज वाशिंग सोडा। अब बेटा देखें कि इस प्रोसेस के तहत जो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा उसे हीट करेंगे, तो उसे हीट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा आज हमने बात की के मीन्स के सोडियम कार्बोनेट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। अर्नेस्ट सॉल्वे ये क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसने ये सोडियम कार्बोनेट को बनाया था, उसने क्या किया था, उसके तीन स्टेप्स अमोनिएशन ऑफ ब्रायन, कार्बोनेशन ऑफ अमोनेटेड ब्रायन और तीसरा स्टेप जो था हमारे पास कन्वर्जन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके बेटा कल हम बात करेंगे सोर्स ऑफ मटेरियल्स, कौन कौन से इसने सोर्स यूज़ किए थे और उसके बाद हम इन कंपाउंड्स के कुछ क्या पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट का यूज़ क्या है, कास्टिक सोडा की यूजेज पढ़ेंगे। ओके।